लव स्टोरी, थ्रिलर, कॉमेडी, सब मिक्स एंटरटेनमेंट फिल्म है। हर तरह का मसाला इस फिल्म में, एक ही फिल्म में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जैसे रोहित शेट्टी और अब्बास मस्तान की फिल्मों में मिलती हैं, तो उस टाइप की ये फिल्म है। इनका पूरा सपोर्ट है, कोई वो नहीं है, इनकी बंदिश नहीं है कि ये मतलब ऐसा करो वैसा करो, पूरी छूट मुझे दी गई है और मैं उसके हिसाब से बिल्कुल वैसा ही फिल्म बना रहा हूँ जैसा मैं चाहता था। तो गुजराती टच मिलेगा क्या इस फिल्म में? नहीं, इसमें हिंदी है टोटल, गुजराती इन्होंने पहले की हुई है लेकिन इस फिल्म में टोटल सारी चीज़ें हिंदी हैं और हिंदी फिल्म का ही मसाला है इसमें। सनी जी एक बढ़िया डायरेक्टर राइटर तो है लेकिन बढ़िया इंसान भी है और हर आदमी को साथ में लेके पिक्चर बनाने का सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो आपका पहला प्रोजेक्ट है, आप प्रोड्यूसर हैं? मैं पहला प्रोजेक्ट है, इस बात से लिए मैं बहुत खुश भी हूं और बहुत उत्साही भी हूं। सनी सर के बारे में क्या बोलूँ, वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके साथ मैं फर्स्ट मूवी करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप ये मेरा वर्क और ये मूवी हिट जाए और सभी मेरे काम को पसंद करें, मैं भी चाहती हूँ आपसे। ये पायल है जो लीड कर रही है, थोड़ा लेट होगी, बहुत ज़्यादा लेट होगी, थोड़ा नहीं। काफ़ी एक्साइटमेंट है मुझे इस प्रोजेक्ट को लेके, सुर ने जब जैसे स्टोरी बताई थी उस हिसाब से मैं बहुत एक्साइट हूँ और मैं बहुत अच्छे से करना चाहूँगी। सर को तो मैं 5 साल हो गए जानती हूँ और हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए भी है साथ में भी इसके पहले और ये अभी करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हाँ, मेरे मराठी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और है काफ़ी प्रोजेक्ट। सर अच्छा ओरखंड दादा रतिलाल पटेल चामनगर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ और सनी जी के साथ मैंने जेठवा जी के साथ हम मूवी बना रहे हैं अने मूवी वो अच्छा भी बनेगा हमारे ये वो कंफर्म है। हमें सही है, मेरे में जीवन में इतनी जोश है कि जोश के साथ ये मूवी बनेगा, अच्छा बनेगा, सही चलेगा, वही मेरा वादा है। देखिए हम लोग तो एक्टर हैं, जैसा रोल मिलता है वैसा कर लेते हैं, कॉमेडी है तो कॉमेडी कर लेते हैं, रोना धोना तो रोनों का कर लेते हैं। सर सनी जी के बारे में काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ और पीछे मुझे एक मौका मिला एक्शन क्वीन मधुबाला के एक फिल्म मैंने की थी उसमें और बहुत अच्छा लगा मैंने, उसमें मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था और खासियत तो मैंने ये देखी कि एक चंग जो है हमारा मेरा वॉइस का आउट हो गया था, वो मतलब साउंड की तरफ से मुझे लगता है कोई बाय मिस्टेक, और होता क्या है कॉमेडी में इम्प्रोवाइज होता है और हमने इम्प्रोवाइज़ किया था तो इन्होंने मुझे खुली छूट दी भाई, जो लिखा था वो तो किया था शब्द उतने, उसमें कुछ इम्प्रोवाइज़ करके मैंने वो सीन किया। जब मैं डब करने गया तो ये था, अब ये और क्या मैं तो समझ में आया यार मड़ मुझ तो सनी जी की खासियत है, इन्होंने वो शब्दों को इन्होंने हेल्प की और मैंने भी कुछ पकड़े वो शब्द, तो वो डब जो है ऐसे लगा कि उसमें लगा ही नहीं कि वो चंग जो है आउट हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छे डायरेक्टर है, कूल डायरेक्टर है, बड़े प्यार से काम लेते हैं एक्टरों से और समझा के काम लेते हैं, खुद करके भी दिखाते हैं, एज एन एक्टर भी अच्छे हैं और डायरेक्टर तो क्या रहेंगे। और इसमें लव युद्ध जो है दूसरी भाषा में बोले तो मीठा जहर, तो अब देखो इसमें ये जहर पिलाते हैं या मदरा पिलाते हैं या क्या पिलाएंगे। हाँ नहीं करेक्टर पता लगेगा ना। बनवारी जी के बारे में तो जानते हैं आप लोग कि ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आप इनके वीडियोस देखेंगे तो
कमाल है। मिमिक्री मतलब माइम क्या है? माइम मिमिक्री, सॉरी माइम, माइम में करता हूँ ज़्यादा, बहुत बेहतरीन करते हैं, वर्ल्ड लेवल के टॉप के जो माइम आर्टिस्ट हैं उनमें उनकी गिनती है। आप इनके वीडियो देखिए और बिना डायलॉग बोले किस तरह एक्सप्रेशन से एक्टिंग की जाती है, बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग की जाती है, ये माहिर है। और बीरबल जी तो हमारे सीनियर हैं, हम तो बच्चे थे जब आपकी पिक्चर देखते थे। ये तो हमारी इंस्पिरेशन है, मतलब इनको देख के तो हम मतलब लाइन में आए। और बड़ा अच्छा लग, 70 साल तक तो ये स्टूडेंट बने रहे, आजकल ये टीचर बने, आजकल दादा भी कर। अच्छा और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने सीनियर के साथ काम करते हैं, काम आसान हो जाता है और सीखने को भी मिलता है। तो मैंने काफ़ी अपने सीनियर्स लोगों से सीखा है और सीख रहा हूँ। तो बस ये लव यूथ का वेट करिए, देखिएगा इसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। हाय गुड इवनिंग, मेरा सैन नमस्कार। ये पूरी रोमांटिक गाने हैं दोनों और बहुत ही अच्छे वर्ड्स लिखे हैं। दिल तुझको दिया हमने सनम, फिर एक है तेरी अखियाँ बड़ी शराबी, दोनों बहुत ही अपने आप में हैं। इसको गा रहे हैं तृप्ति सिन्हा और मनोरंजन झा, और बहुत ही अच्छा रेडी किया है। और सनी भाई जैसे चाह रहे थे, जेठा साहब जैसे चाह रहे थे, पूरी कोशिश की है वैसा करने की। आई होप सबको पसंद आएगा। सर मैं तो ये कहूँगा कि सनी जी ने बैठ के करवाया है, एक एक शब्द एक एक सिचुएशन के हिसाब पे बाकायदा डिस्कशन हुआ है कि सेकंड अंतर ऐसा होना चाहिए, पहला अंतर ऐसा होना चाहिए। तो पूरी कोशिश की है कि गाने एकदम फिल्म से चिपक के जाए। थैंक यू सो मच। सनी जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ और मेरी ये फर्स्ट मूवी होगी इनके साथ में, और मैं चाहती हूँ कि मुझे सबके विशेष मिले जिससे मैं आगे जा सकूँ और अच्छा काम करूँ, अच्छा नाम बनाऊँ। और अपने बारे में क्या प्रोजेक्ट किया, क्या करने वाली हैं, किस तरह का रोल करना चाहती हैं? मैं एक सिंपल एक आइडल रोल करना चाहती हूँ जिससे मैं लॉन्ग टर्म तक वर्क कर सकूँ, सभी के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के दिलों में छाना चाहती हूँ। जी सबसे पहले तो कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले लव युद्ध परिवार में मिस्टर एमयू जेठवा, सनी सर और सारे टीम मेंबर्स की तरफ से आप सबका इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट फील्स ग्रेट कि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है। सर बताइए, मुझे गौरव सिन्हा कहते हैं और सनी सर के साथ में ये मेरी चौथी फिल्म है। जैसा कि आप लव युद्ध नाम सजेस्ट देख रहे हैं कि ये एक कहावत है कि प्यार में कोई जद्दोजहद नहीं होती, लेकिन प्यार के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो एज द नेम सजेस्ट, टाइटल इज वेरी गुड एंड द फिल्म थीम इज वेरी गुड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन द फिल्म। क्वेश्चंस कुछ अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, पहली डेब्यू फिल्म में या जी? मेरा नाम गौरव सिन्हा है, इससे पहले मैं सनी सर के साथ 3 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। मेरी पहली फिल्म थी एक राजकुमारी चंद्रमुखी, जिसमें मैंने एज ए सोलो मेन लीड काम किया था। उसके बाद सनी सर ने मुझे कास्ट किया अपरिचित शक्ति में, जिसमें मैं मिस्टर राजपाल यादव के अपोजिट नेगेटिव लीड मैंने किया था। एक और फिल्म मैंने अभी हाफ शेड्यूल कंप्लीट किया है जिसका नाम है मर्दानगी, एंड बाय द गॉड ग्रेस हमारे बड़े भाई मिस्टर एमयू जेठवा साहब, रति भाई और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से आई एम डूइंग माय 4th फिल्म एज अ मेन सोलो लीड मेल लव युद्ध, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन इट। और किस तरह किरदार निभाना चाहते हैं, मतलब जैसा पर्सनालिटी है उसके हिसाब से क्या करेंगे? सर ऐसा कोई बाउंड्री लाइन बॉर्डर लाइन मैंने फिक्स नहीं की हुई है कि किसी एक पर्टिकुलर इमेज में बनना है। हम लोगों का काम है एक्टिंग करना, और जिस तरीके से किरदार हम लोगों को दे दिया जाता है, हम लोगों की एक पूरी कोशिश रहती है कि उस एक विश्वास जो हम लोगों को दिया जाता है उसको पूरी तरीके से खरे उतर सके। लेकिन अगर पर्सनल चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो आई प्रीफर टू डू रोमांटिक रोल्स, यस। अगर एक चॉइस की बात करें, आई विल नॉट बी डिप्लोमेटिक करेक्ट, आई प्रीफर टू डू रोमांटिक रोल्स, यस। ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सनी कपूर सर का नाम आता है तो टॉपिक वैसे ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, और सनी कपूर सर के साथ में मेरा काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत ही इजी वे में काम करते हैं, जितना चाहिए होता है उतना ही लेते हैं। एक एक्टर की इच्छा होती है कि वो जितना क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है उतनी दिखाना चाहता है, लेकिन हम लोगों के लिए तजुर्बा एक बहुत अच्छा है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए, एंड उनको पता है कि कमर्शियली कितना ज़रूरी है। तो अब तक मेरा जितना पार्ट है, मैंने उनके साथ इतना भी एक्सपीरियंस लिया, मैंने खुशी के साथ शुरुआत की, मिड पार्ट जो था वो भी खुशी के साथ बीता, और मेरी एंडिंग जो हुई है प्रोजेक्ट्स की अब तक वो उससे भी ज़्यादा खुशी के साथ ही हुई है। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, फैबुलस, थैंक यू सो मच। कैसा अनुभव था
से जुड़ने का और आपके बारे में बताइए कि किस तरह के गाने होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे सनी सर को हमेशा ही अच्छी मूवीज़ करते हैं और पहले भी काफ़ी गाने मैंने गाए इनकी फिल्मों में और एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है और जो इनका म्यूज़िक होता है ख़ासकर मैं जुड़ना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि जो धीरज सेन जी का म्यूज़िक रहता है वो कहीं ना कहीं एक रूहदारी रहती है उनमें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें आजकल लोग गानों में डाल रहे हैं कहीं ना कहीं एक सुर और संगीत से दूर हटते जा रहे हैं लोग तो उन चीज़ों को जीवंत रखा है हमारे सनी भैया ने इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को ऐसे प्रोडक्शन से जुड़ के गाना बहुत ही प्यारा है बता सकते क्या बोल हैं ये दिल तुझको दिया गाना है और बड़ा ही रोमांटिक गाना है आज का जो यंग जनरेशन है फील करेगा उस गाने को और बहुत ही कनेक्टिंग सॉन्ग है जी मेल वॉइस तो मैं गा रहा हूँ और जो फीमेल सॉन्ग है काफ़ी सारी फिल्मों में प्लेबैक किया है उन्होंने तृप्ति सिन्हा जी अभी रिसेंटली उन्होंने अरबाज खान साहब की मूवी वो कौन सी हॉरर वाली है भूतों वाली फिल्म है उसमें उन्होंने प्लेबैक किया काफ़ी सारे भट्ट कैंप के भी फिल्मों में उन्होंने गाया है वो गा रही है हमारे साथ बहुत ही सदी हुई वॉइस है सुरीली सिंगर है और मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना नहीं चाहता बस गाने बहुत अच्छे हैं ये हमारे सनी साहब का ब्लेसिंग्स है कि बस बुला लेते हैं हमें गाने के लिए और एक्टिंग तो अभी सोचा नहीं है देखेंगे सर मौका देंगे तो जरूर करूँगा थैंक यू बहुत अच्छे एक्टर डायरेक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं गा रही हूँ उनकी फिल्म के लिए मैंने गाने गाए हैं दो गाने हैं एक गाना है तेरी अखियाँ बड़ी शराबी हैं और एक गाना है दिल तुझको दिया और धीरज जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया बहुत अच्छे गाने बहुत अच्छा लगा गाना गाते हाँ जी मेरी तीन फिल्में आई थी इस साल एक आई थी महेश भट्ट जी की डेब्यू फिल्म एज अ एक्टर मुंबई सिटी द डार्क साइड ऑफ लाइफ मुंबई सिटी और उसके बाद आई मैं ज़रूर आऊँगा अरबाज खान जी की और फिर अभी आ रही है कोर्ट संजय मिश्रा और विवान शाह की और अब संजय सनी जी की फिल्म के लिए गा रही हूँ और तीन फिल्में आ रही हैं मेरी 2020 में तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड की आप सबको अच्छा लगे और थैंक यू सो मच थैंक्स नहीं बहुत अच्छे राइटर और डायरेक्टर हैं और अच्छे इंसान भी है और मुझे खुशी है मैं वैसे गुजराती फिल्मों में बहुत मैंने काम किया है थिएटर किया है लेकिन आज मैं बिरबल जी के साथ काम कर रहा हूँ एक बड़ी खुशी की बात है और मोटा भाई के भाई साथ काम कर रहा हूँ वो एक अच्छी बात है इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में और बहुत अच्छी फिल्म है अच्छा ये शरीफ है शरीफ पुलिस वाले हाँ शरीफ पुलिस वाले ये लेते नहीं है बल्कि दे देते हैं क्या मेरा परिचय दादा रतिलाल पटेल मेरा वैसे वो गुजरात के रहने वाला है यहाँ वो सनी भाई और जेठवा भाई के साथ वो पिक्चर हिंदी पिक्चर में काम करना चाहता हूँ और वो पिक्चर लव स्टोरी बहुत अच्छा है सनी भाई का ही कैरेक्टर और सनी भाई का जो मेहनत है वो सही है वो मेहनत के लिए बहुत आगे बढ़ेगा वो पिक्चर सही तरह चलेगा और पूरा नाम निकलेगा वो मेरी शुभेच्छा है और सनी भाई है जो इसको स्टोरी लिखा है वो भी बहुत अच्छा है एकदम परफेक्ट है इसीलिए वो पिक्चर 100% फर्स्ट निकलेगा इसी मेरी भावना है ना मैंने गुजराती पिक्चर में बहुत काम किया है लेकिन यह हिंदी में पहली बार कर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है गुजराती पिक्चर में बहुत ही काम किया है और आगे क्या कर रहे हैं इसके अलावा आगे भी हिंदी पिक्चर और दूसरा भी पिक्चर बनाएंगे वो पूरा हो जाएगा बाद में दूसरा भी हम साथ साथ में बनाएंगे जेठवा भाई हम दोनों साथ में बनाएंगे मेरी एक ही ख्वाहिश है नितिन भाई
के बारे में जो राइटर और डायरेक्टर हैं लव सर, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बात कही तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं शायद इतना कह सकता हूँ सनी जी के साथ मैं चाय पीने जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उनकी जीप में घूमने जाता हूँ। ऑल इन वन आई वुड से इज अ डाउन टू अर्थ मैन, जमीन से जुड़े हुए हैं, और मैं इंडस्ट्री में काफ़ी साल से हूँ लेकिन ऐसे कम लोग मिलते हैं। मैं बेसिकली तो इंजीनियर था, मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, फिर मैं एक्टिंग में हूँ, फिल्म में, सीरियल्स में, सब में काम करता हूँ। और सर को सर के साथ पहले मैं करता था किशोर नमित कपूर में, एक्टिंग में लेक्चरर था, और अभी इनके साथ जुड़ा हूँ। चलिए, थैंक यू।